नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके चैनल एसएससी एग्जाम वॉरियर में। दोस्तों, आप लोग की लगातार एसएससी जीडी के रिगार्डिंग कोई ना कोई अपडेट लगातार आ रही है। अभी देखिए दोस्तों, इसी रिगार्डिंग एक नोटिस है और मैंने आप लोग को एक कैंसिलेशन नोटिस ज़रूर दिखाया था। आप लोग लगातार वीडियोज़ देख रहे होंगे तो आप लोगों को पता होगा। अभी देखिए सेकेंड नोटिस है, आप लोग को ये दिखा देता हूँ मैं। 19 फरवरी को ये नोटिस निकाला गया है। यहाँ पर कैंडिडेट्स का नाम देख सकते हैं, रोल नंबर देख सकते हैं। आप लोगों को लिस्ट में मैं शो करा दूंगा नाम रोल नंबर, आप लोग देख सकते हैं। कैंडिडेट्स का मैं सर्च मार लेता हूँ सीआरपीएफ की लिस्ट से, वहाँ से आप लोगों को पता चल जाएगा। तो आप लोग देख रहे हैं यहाँ पर इनका नाम है और ये फाइनली सिलेक्टेड कैंडिडेट हैं। इनके पास ज्वाइनिंग लेटर भी आ चुका था, इसको मैंने थोड़ा फिल्टर किया है। इसके बाद आप लोग देख सकते हैं पूरा नोटिस क्लियरली मेंशन है यहाँ पर। और ये जो है ऑफर ऑफ कैंसिलेशन है, यानी रिगार्डिंग द कैंसिलेशन ऑफ द ऑफर ऑफ अपॉइंटमेंट। तो इनके पास अपॉइंटमेंट लेटर आ गया था, यानी ज्वाइनिंग लेटर पहुँच चुका था इन कैंडिडेट्स के पास। एक मैंने आप लोग को पिछला दिखाया था, वो आप लोग देख सकते हैं तमिलनाडु वाले कैंडिडेट्स का था। यानी तमिलनाडु के कैंडिडेट्स थे जिनको ऑफर ऑफ अपॉइंटमेंट मिल चुका था, उसके बाद उनको कैंसिलेशन नोटिस आया था। पूरा कैंसिलेशन नोटिस था जिसमें रीज़न भी बताया गया था किस कारण से उनको कैंसिल किया गया था। उनको LTI मैच नहीं था, यानी जो है उनका थंब इम्प्रेशन और हैंड राइटिंग मैच नहीं की गई थी, इस कारण से उन्हें कैंसिल किया गया था। आप लोगों को एक बार दोबारा दिखा देता हूँ वो नोटिस। ये वो नोटिस था, ये अलग कैंडिडेट्स थे। और एक और है CRPF के द्वारा, आज ही कैंडिडेट्स के पास पहुँचा है। 19 फरवरी को डिस्पैच किया गया था, आज उनके घर बाय पोस्ट पहुँचा है नोटिस। और इसमें भी आप लोग देख सकते हैं कि ये कैंसिलेशन नोटिस है, यानी इनकी ज्वाइनिंग को भी कैंसिल किया गया है। लगातार इस तरीके से नोटिस आना काफ़ी ज़्यादा निराशाजनक बात है। कैंडिडेट्स के पास लगातार ऑफर ऑफ अपॉइंटमेंट पहुंचने के बाद उनके पास कैंसिलेशन नोटिस आ रहा है। और कैंसिलेशन नोटिस में देखिए यहाँ पर क्या मेंशन किया गया है, ये नोटिस काफ़ी ज़्यादा शॉकिंग है। CRPF की तरफ से इसको जारी किया गया है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि इनका जो कैंसिल किया गया है 14 फरवरी 2021 को इनके पास जो ऑफर ऑफ अपॉइंटमेंट निकाला गया था और उसको कैंसिल किया गया है। और ड्यू टू रीज़न पर क्या बताया, एडमिनिस्ट्रेशन रीज़न, यानी सिर्फ इसके अंदर क्या कहा गया है कि एडमिनिस्ट्रेशन रीज़न के कारण इनका जो है ऑफर ऑफ अपॉइंटमेंट वो कैंसिल किया गया है। अब देखिए यहाँ पर इनका रीज़न नहीं बताया गया है, तो ये कैंडिडेट्स हैं, ये कांटेक्ट करके पूछ सकते हैं। जो भी इन्फॉर्मेशन आएगी आप लोगों को बता दी जाएगी। लेकिन काफ़ी शॉकिंग है, कैंडिडेट्स के पास ऑफर ऑफ अपॉइंटमेंट पहुंचने के बाद भी कैंडिडेट्स को कैंसिल किया जा रहा है, यानी उनके पास कैंसिलेशन नोटिस आ रहा है। पहले रिजेक्शन लेटर आते थे तो देखने को मिलता था कि मेडिकल से पहले रिजेक्शन लेटर मिल रहा था किसी को LTI कारण, लेफ्ट थंब इंफेक्शन कारण, फिर मेडिकल यानी री मेडिकल में और मेडिकल में दोनों में फिट होने के बावजूद भी कैंडिडेट के पास रिजेक्शन लेटर आया था। लेकिन ये पहली बार देखने को मिल रहा है कि अपॉइंटमेंट लेटर इश्यू होने के बाद कैंडिडेट्स को रिजेक्टेड किया जा रहा है। यानी आप लोग का जो थंब इम्प्रेशन है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है, उसका काम अभी भी चल रहा है और अभी भी कैंडिडेट्स को रिजेक्टेड किया जा रहा है। किसी को एडमिनिस्ट्रेशन रीजन बताकर, किसी को लेफ्ट थंब इम्प्रेशन या फिर आप लोग का हैंड राइटिंग मिसमैच बताकर। जब कैंडिडेट्स का हैंड राइटिंग मिसमैच था ही तो उन्हें विदहेल्ड लिस्ट में पहले ही रख दिया जाता, और उनका जब सब कुछ वेरीफाई होने के बाद ही उनका फाइनल मेरिट लिस्ट में सिलेक्शन होता है। लेकिन अभी पहली बार SSC GD में ये देखने को मिला है कि कैंडिडेट्स को सब कुछ होने के बाद, फाइनल मेरिट लिस्ट में नाम आने के बाद, कैंडिडेट्स को ऑफर ऑफ अपॉइंटमेंट जारी होने के बाद उनको उनको लेटर भी भेज दिया गया है CRPF के द्वारा। और उसके बाद CRPF नोटिस जारी करती है कि कैंसिल हो गया, उनका जो ज्वाइनिंग लेटर है वो कैंसिल हो चुका है। दो लेटर तो मैं आप लोग को अभी दिखा चुका हूँ, जब आप लोग की ज्वाइनिंग शुरू नहीं हुई है जब से ही कैंडिडेट्स को रिजेक्टेड दिया जा रहा है। तो हो सकता है कि आप लोग को वहाँ पर जाकर भी कुछ कैंडिडेट्स को रिजेक्टेड किया जाए। इस बार रिजेक्शन लेटर कुछ ज़्यादा ही तादाद में आ रहे हैं, आप लोग के रिजेक्शन लेटर बहुत सारे देखने को मिले। लगातार मैंने उसके रिगार्डिंग अपडेट्स आप लोगों को प्रोवाइड कराई थी और ये आप लोग का ऑफर ऑफ अपॉइंटमेंट आने के बाद बावजूद आप लोगों को कैंसिलेशन नोटिस प्रोवाइड हो रहा है। तो ये कुछ ज़्यादा ही शॉकिंग है कैंडिडेट्स के लिए। ये कैंडिडेट्स हैं जिनको रिजेक्शन किया गया है, झारखंड के कैंडिडेट्स हैं। अब देखिए दोस्तों, इनके पास जो भी रीज़न होगा वो रीज़न इनको बता दिया जाएगा। ये किसी भी तरीके से फ़ोन के माध्यम से पूछ सकते हैं या फिर इनको जो भी जरिया होगा वो इनके पास लेटर पहुंच जाएगा कि इनका क्यों कैंसिल किया गया है। लेकिन सभी जानकारी जब ऑफर अपॉइंटमेंट इनके पास पहुंच ही गया था तो एक छोटा नोटिस देने की क्या जरूरत है। आप पूरा रीज़न लिख देते कि किस कारण से कैंडिडेट्स को रिजेक्शन मिला है, क्या वो रीज़न है जिस कारण से कैंडिडेट्स को रिजेक्टेड किया गया है। इस CRPF का ज्वाइनिंग लेटर था जो कैंडिडेट्स के पास पहुँचा था, अब इनको कैंसिल कर दिया गया है। अब देखते हैं दोस्तों आगे की प्रक्रिया क्या होती है इन कैंडिडेट्स के साथ। बाकी किसी और कैंडिडेट के साथ ऐसी कोई दिक्कत आती है तो आप लोग को मेरी जीमेल आईडी देखिए, आप मेरी जीमेल आईडी आप लोग को मिल जाएगी।
आप लोग चैनल पर जाकर चेक कर सकते हैं, वहाँ से आप लोग मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं, या फिर इंस्टाग्राम का मैंने आईडी दे रखी है, इंस्टाग्राम पर जाकर भी आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। किसी कैंडिडेट के साथ ऐसी कोई प्रॉब्लम होती है तो आप लोग कांटेक्ट जरूर कीजिएगा, जो भी समाधान होगा वो निकालने की कोशिश करेंगे, जैसे भी CRPF से बात करने की कोशिश करेंगे, आप लोगों के लिए RTI डालकर इन्फॉर्मेशन लेने की प्रयास करेंगे किस कारण से इन कैंडिडेट्स को रिजेक्शन मिला है। बाकी दोस्तों SSC जुड़ी की लगातार अपडेट्स के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, रेगुलर अपडेट्स आप लोगों को हमारे चैनल पर लगातार मिलती रहती हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह की अपडेट के साथ। जय हिंद, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।